ये आप देखिए, ये एक पहाड़ है, इसमें एक मंदिर है, इस मंदिर से भी पीछे वो है, तो इतना लंबा हम सफ़र करेंगे आज। ये है हमारा नया मेहमान। मेरे पीछे ये स्कूल है, तो ये धारा है। तो दोस्तों ये है हेलीकॉप्टर। हम अंटे संटे रास्ते से आ रहे हैं। ये आप देखिए, काफ़ी सारे आम इसमें लगे हुए हैं। तो यार रोज की तरह हम रास्ता भटक गए थे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम कहां से आए हैं, यहां से हम आए हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु जोशी और आप देख रहे हैं रिवील सिल्स। तो आज हम जा रहे हैं ट्रैकिंग करते हुए तिपौला की तरफ को। तो तिपौला में बेसिकली नदी है, तो हम उसे एक्सप्लोर करने आज जा रहे हैं, आज हम उसे देखने जा रहे हैं। तो हम जंगल के रास्ते ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं। पूरा काफ़ी लंबा ये सफ़र होने वाला है, करीब करीब आप मान के चलिए 15 से 20 किलोमीटर के आसपास ये सफ़र होगा सिर्फ एक तरफ का, और वापस हमें आना भी है ऊपर। अभी हम अपने घर से थोड़ा नज़दीक आ गए हैं नीचे की तरफ को, हम सीधे सीधे डाउन जा रहे हैं एकदम। और यहाँ से सामने मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कहाँ जाना है एक्चुअल में, और उसके बाद हम शुरू करते हैं सफ़र। दोस्तों ये अगर आप सामने देख पा रहे हैं तो ये एक पहाड़ टाइप का दिख रहा है। आज थोड़ी धुंध है इस वजह से एकदम क्लियर नहीं दिख पा रहा है। तो ये आप देखिए, ये एक पहाड़ है, इसमें एक मंदिर है, इस मंदिर से भी पीछे वो है। तो आप सोचिए कितना दूर ये है, यहाँ से ही विजिबल नहीं है एकदम, कैमरे में आप देख पा रहे हैं कितना दूर है। तो इतना लंबा हम सफ़र करेंगे आज, और यहाँ से हम वहाँ तक का पूरा पैदल रास्ता तय करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हमारे साथ रोहित और शुभम आ गए हैं, और साथ में हमारे साथ एक नया मेहमान भी हमारा जुड़ा हुआ है आज, तो उससे आपको मिलाते हैं। चलिए, तो ये है हमारा नया मेहमान बबलू। हेलो गाइस। ये नौटंकी की पुड़िया है इसलिए इसको तो चलिए अभी चलते हैं आगे, और आगे मैं आपको दिखाते रहूँगा जो भी नई नई चीज़ें हमें दिखेंगी, जो भी हमें लगेगा कि देखना है दिखाना चाहिए तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम आगे को बढ़ रहे हैं, और अभी मेरे सामने ही कालिका मंदिर आने वाला है। आप मेरे पीछे का नज़ारा देखिए, हमारे गाँव का नज़ारा है, ये सारे खेत जो हैं हमारे गाँव के हैं। तो अभी हम कालिका मंदिर जस्ट पहुँचने वाले हैं, तो बस कुछ ही देर में हम कालिका मंदिर पहुँचेंगे। मैं आपको कालिका मंदिर भी दिखाऊँगा अंदर से कैसा है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ से यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ कालिका मंदिर पे, और मैं आपको कालिका मंदिर दिखाता हूँ। बस मेरे सामने ही कालिका मंदिर है, मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ पूरा पहले, उसके बाद आगे का सफ़र जारी रखेंगे। दोस्तों अभी मैं मंदिर से आ गया हूँ, और मेरे पीछे ये स्कूल है, ये काफ़ी पुराना स्कूल है, मेरे पापा मेरे चाचा उन लोगों ने में ही पढ़ा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कितना पुराना स्कूल है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे को सीधे, अभी हम तल्ला विश्वा पहुँचने वाले हैं। मेरे जो दोस्त हैं वो आगे चले गए हैं, क्योंकि उनका मंदिर के कुछ शॉट ले रहा था, तो वो आगे निकल गए हैं। अभी मैं जल्दी से उनको पकड़ता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। अभी हम पहुंच गए हैं धारे पे, और अभी यहाँ से हम पानी भर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यार अभी मैं पहुंच गया हूँ धारे पे, और यहाँ से हम पानी भर रहे हैं।
तो क्योंकि आगे पानी मिले ना मिले कोई पता नहीं है, तो ये धारा है, तो यहाँ पर हम पानी भर रहे हैं। मेरे साथ शुभम भी है, और इधर ये आप देखिए बबलू जो आज जोश में है, पता नहीं क्या खा के आया घर से। आया तो भूखा ही था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ इसको, आते ही छल लग गया इसको, पता नहीं। तो दोस्तों ये है हेलीकॉप्टर, तो अभी यह है रास्ता, हम अंटे संटे रास्ते से आ रहे हैं, उल्टे सीधे रास्ते से। तो अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम रोड बाय रोड जाएं या फिर रास्ते से जाएं। जो रास्ता हमें सीधे सामने हमारी मंजिल दिख रही है, और हम जहाँ जो दिख रहा है पहाड़, नीचे घाटी खाड़ी, नीचे को डाउन भी है, पेड़ है, कुछ है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम ऐसे ही कूद के। ये आप देखें, मुझे थोड़ा कैमरा हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कैमरे के साथ ऐसी पहाड़ी पे कूदना थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी चलता है। आज हमने अपने हाथ पैर तुड़वाने ही हैं। तो ये है दोस्तों गधेरा, ये आप देखिए हरा भरा है पूरा यहाँ। तो ये रास्ता है, वैसे रास्ता नहीं है, लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती इस रास्ते से जा रहे हैं। देखो दोस्तों ये आम बंदरों ने आई थिंक खाया है, ऊपर से गिरा है, ऊपर आम का पेड़ भी है। तो अभी हम उल्टे सीधे रास्ते से जा रहे हैं, हमें रास्ते का पता नहीं है, हमने सिर्फ एक पॉइंट देखा है अपना, हमें यहाँ पहुँचना है, और हम बदलते जा रहे हैं। अभी ये रास्ता टाइप का ही लग रहा है, और यहाँ कटीली झाड़ियाँ काफ़ी हैं, मेरा पैर भी कट गया है, थोड़ा जल्दी हमारी सर्दी से हम। तो दोस्तों यह है रास्ता, अभी हम उल्टे सीधे रास्ते से जा रहे थे, और सामने ही हमें
ये रास्ता मिल गया। तो ये पता नहीं किधर को जा रहे हैं, लेकिन हमने अभी ये रास्ता पकड़ लिया है। सामने ही काफ़ी सारे आम लगे हुए हैं, आम के पेड़ हैं। आगे चलते हैं, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये काफ़ी बढ़िया आम का पेड़ यहाँ पर लग रहा है। ये रास्ता शायद लगता है किसी गाँव को जा रहा है। देखते हैं इस रास्ते में आगे चल के कहाँ हम पहुँचते हैं। फिलहाल मैं आपको ये आम दिखाता हूँ। ये आप देखिए, काफ़ी सारे आम इसमें लगे हुए हैं। तो अभी हम आगे को चले गए हैं और ये रास्ता आगे कोई किसी गांव को जा रहा है। फिलहाल अभी हम ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है गधेरा, इसमें पानी बह रहा है। ये गधेरा हमारे उधर से ही आता है और यहाँ पर आके काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि 4-5 गधेरे इसमें मिल जाते हैं। तो गधेरे ही बाद में नदी बनाते हैं। अभी हम एक गाँव की तरफ बढ़ गए हैं। इस गाँव का नाम शायद काइका है। और मेरे पीछे आप देखिए बांस के बड़े बड़े पेड़, झाड़ियाँ बांस की। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें रास्ते का आइडिया नहीं है। यहाँ किसी से पूछते हैं कि रास्ता किधर को है। तो यार रोज की तरह हम गलत रास्ते पे चले गए थे, रास्ता भटक गए थे। अभी हम तो पता ही है आपको, हमें कुछ नहीं पता, हम बस सिर्फ पॉइंट देख के जा रहे थे। तो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से फिर आगे की चीज़ें दिखती नहीं हैं, तो इस वजह से हम लोग रास्ता भटक गए थे। अभी हम फिर से नीचे की तरफ को जा रहे हैं, देखते हैं उस साइड को अगर हमें कोई रास्ता मिल जाता है तो पार निकलने का, अदरवाइज हम किसी से पूछेंगे। मैं ये नहीं सामने पूछ लेता हूँ। यह है दीमकों की बाम्बी। ये आई थिंक यहाँ पे पेड़ वेड़ हुआ कोई, तो ये सब दीमक लग गए हैं। इस तरह से उन्होंने अपना घर बना लिया है, ये आप देखिए। तो दोस्तों अभी हमें रास्ते का पता चल गया है और अब हम जल्दी जल्दी तरफ को बढ़ रहे हैं। तो अभी सुबह बाकी लोग आगे चले गए हैं और यहाँ पर रास्ता काफ़ी कठिन है। तो पसीने से मैं भर चुका हूँ, इतनी गर्मी यहाँ पर हो रही है। नीचे का एरिया है, यहाँ काफ़ी सारे आम भी हैं। पीछे देखिए आप, सारे आम के ही पेड़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो अभी बस आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कितनी देर में हम वहाँ पहुँच पाते हैं। हम लोग 8 बजे निकले थे घर से और अभी 9 बज गया, 1 घंटा हो गया हमें। और 1 घंटे में अभी हमने 25% भी आई थिंक मुझे लगता है कवर नहीं किया है। तो देखते हैं, चलिए। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये है आगे का नज़ारा। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम कहां से आए हैं, हम लोग इस साइड कहीं से आए हैं। ऊपर टावर दिख रहा है, यहां कैमरे में नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। यहां से हम आए हैं, ये जो पेड़ दिख रहे हैं इसके पीछे टॉप, ये स्काई है, ये आसमान है, उसके नीचे ये जो पहाड़ी दिख रही है। तो इस पहाड़ी से हम लोग अभी आए हैं, उतना दूर से हम यहाँ आ चुके हैं। आप सोचिए कितना दूर वो है, और वहाँ से अभी हमें और 2 गुना या 3 गुना आगे जाना है। तो आप सोच सकते हैं कितना दूर अभी हमें जाना है। तो ये पूरा नज़ारा है, ये आप देखिए शानदार नज़ारा है। अभी सामने हमें वो मंदिर वाला पहाड़ नज़र आ रहा है, ये है मंदिर वाला पहाड़। तो इधर को अभी हम बढ़ रहे हैं, अभी हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको मंदिर। हमारे साथ में कुछ हैं, वो कह रहे हैं कि बस यहीं पर से वापस चल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग पूरा तिपौला जाएंगे, चाहे हम मर जाएं, लेकिन हम जाएंगे ज़रूर। फाइनली काफ़ी चलने के बाद सामने मंदिर नज़र आ रहा है।